हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज आपकी ईशा आपके लिए ऐसे आसन लेकर आई है जो आपके जोड़ों के दर्द को बिल्कुल खत्म कर देगी। बहुत से लोगों के आजकल क्या होने लगा है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। ऐसा नहीं अगर हम ज्यादा एज के हो गए तो दर्द रहता है, बल्कि हमारा खान पान, हमारा ज्यादा स्ट्रेस लेना, हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा गलत हो गया है। टाइमिंग्स प्रॉपर हम सोने के देते नहीं है, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, बाहर घूमना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक्सरसाइज करनी है तो हम उसको टाइम को स्किप कर देंगे, हमें आलस आएगा और बाकी घूमने फिरने के लिए कोई आलस नहीं आता। तो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें, इसी वजह से हमारे जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और सूजन की तकलीफ रहती है। तो अगर आपके घर में भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके जोड़ों का दर्द ना हो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जिए, तो आपको अच्छी डाइट के साथ योग आसन करना बहुत जरूरी है। योग आसन एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर की सारी तकलीफों को दूर करती है, आपको लंबे समय तक जवाब बनाए रखती है, आपकी सारी बीमारियों को दूर रखती है, आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, आप जो सुस्ती था आलसपन वो सब दूर भाग जाता है। हम लोग बहुत पैसा कमाने के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सेहत भी बहुत जरूरी है। मैंने बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस सुना है जो बोलते हैं हमने बचपन से बहुत ज्यादा टाइम निकाल दिया जवानी का कमाने में, लेकिन वो खुद ही नहीं खा पाते क्योंकि उनको इतनी सारी बीमारियां घेर लेती हैं। काम के समय काम कीजिए, लेकिन हेल्थ के साथ में कभी भी खिलवाड़ मत करिए। हेल्थ के लिए खिलवाड़ सबसे पहले आप करते हैं गलत खान पान से, और दूसरा कोई भी अपने लाइफस्टाइल में आसन या एक्सरसाइज को ना शामिल करके। तो क्यों ना इस सब लाइफस्टाइल को आज से बदल दिया जाए, मुझे फॉलो किया जाए, आज से ही योगासन करके आपके सारे जोड़ों की तकलीफ को मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगी। तो चलिए इसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और मुझे फॉलो करिए, तो 1 वीक में आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आसन हमारा है सेतु भंज सर्वांगासन, इसको जरूर फॉलो करिए। सिर्फ 3 आसन बताऊंगी और आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा इन 3 योगा को फॉलो करके मात्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे लेट जाइए, पैरों को यहाँ रखना है ये पोजीशन पे, अपने हिप से इतने डिस्टेंस पे। अब अपने हैंड्स को ऐसे जॉइंट करना है, अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको सर्वाइकल पेन है वो ना करें, डॉक्टर से पूछ के ही करें, क्योंकि इसे पूरा नेक का प्रेशर पड़ सकता है, आपको पेन बढ़ सकता है। अदरवाइज सारे लोग इसको कर सकते हैं, बैक पेन में भी हर चीज में इसको कर सकते हैं। दोबारा से अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठाने का ट्राई करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके, सांस खींचते हुए। आराम से अपनी बॉडी को नीचे लेकर आइए और रिलैक्स होके लेट जाइए। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे सेकेंड आसन जिसका नाम है शशांक आसन। आप ऐसे अपने घुटने मोड़ लीजिए, मोड़ने के बाद जैसे आपको बताऊंगी वैसे आपको करना है, रिलैक्स होके बिल्कुल लेटना है। अपने हैंड्स आप आगे लेके जाइए इस तरीके से, पीछे से घुमाते हुए आगे। गर्दन आप ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, अंदर की तरफ झुकाकर 3 से 4 सेकेंड होल्ड। रिलैक्स हो जाइए। दोबारा से इसको हम करेंगे। रिलैक्स हो जाइए। इस आसन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपके जोड़ों के दर्द बहुत जल्दी जाना शुरू हो जाएगा। अब बारी आती है थर्ड आसन की जिसका नाम है शल्भासन। शल्भासन के लिए आप क्या करेंगे, छाती के बल लेट जाएंगे। ऐसे आप लेट जाइए, अपने हाथों को पीछे लेके जाइए, अपने पैरों को जॉइंट करिए, हाथों और पैरों को दोनों को उठाएंगे सांस खींचते हुए। सांस बाहर, नीचे आ जाइए, दोबारा सांस खींचते हुए ऊपर। तो दोस्तों, आपको आज का आसन कैसा लगा? 1 हफ्ते बाद आपके प्यारे कमेंट का इंतजार करूंगी कि आपके घर में या आपको खुद को भी जोड़ों के तकलीफ है तो आपको मेरे आसन करने के बाद कितना फर्क नजर आया। इतनी श्योरिटी देती हूँ कि 101% नहीं तो 50% फर्क जरूर नजर आएगा। अपनी डाइट अच्छी लीजिएगा, ये नहीं कि आसन कर रहे हैं और बाहर का खराब खाना खा रहे हैं, उस पे थोड़ा कंट्रोल करिए, नहीं तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा सिर्फ दवाइयों के बेस पे, दवाइयों के डब्बे लेके साथ में घूमेंगे और कुछ खा नहीं पाएंगे, कुछ हजम नहीं कर पाएंगे। तो आज से ही अपना ख्याल रखिए, ईशा को अपना प्यार यूं ही देते रहे।
रहिए, मेरे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार दीजिए, मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टा पे मेरा अकाउंट है ईशा मेहरा 89, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है हेल्थ टाइम, वहाँ बहुत सारी चीजें इनोवेटिव आपको मिलती रहेंगी। यूं ही प्यार देते रहिएगा, वीडियो शेयर करते रहिएगा, जिन्होंने वीडियो शेयर करा डन कर दीजिएगा, लाइव सेशन में मैं उनका नाम जरूर लूंगी कि किन किन प्यारे व्यूअर्स ने मेरा वीडियो जो है शेयर करा। तो मिलते हैं हम हंसी खुशी के साथ, कुछ नए जोश के साथ, कुछ नए योगा आसन के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।